हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स लेसन नंबर 3, दैट इज एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट. व्हाइल एडिंग टू और मोर थ्री डिजिट नंबर्स, एड यूनिट्स टू यूनिट्स, टेंस टू टेंस एंड हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स. यानी कि जब आप अगर एक एक ही ऐसे अगर सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट है तो 617 हो गया, लेकिन जब आपको दे दिया गया 321, तो आपको ये हमें पता चल रहा है कि 300 है, 2 टेंस है, 1 यूनिट है ना, 100 टेंस यूनिट. तो उसके नीचे जो नंबर दिए जाएंगे वो आपको यूनिट का यूनिट में ऐड करना होता है, टेंस का टेंस में और 100 का 100 में. ओके, तो जैसे यहाँ पे 321 दिया गया आपको, तो 321 को ऐड करना है 246 से. तो यूनिट यूनिट, टेंस टेंस, 100 100. ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. टोनी हैज़ 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. टोनी के पास 2 नोट 100 रुपीज़ के हैं, यानी 200. 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, एक नोट 10 रुपीज़ का है, एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. और 5 कॉइन्स है, 5 सिक्के हैं किसके, 1 रुपए के. सोनू हैज़ 1 नोट ऑफ 100 रुपीज़, 3 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़. अभी एक्सप्लेनेशन करना है हमें इसका. ये पूछा गया है हाउ मेनी 100 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स डू दे हैव. दोनों का मिला के बताना है कि उनके पास 100 रुपीज़ कितने हैं, और उसके बाद उनके पास जो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपीज़ का, वो कितने हैं, और 1 का कॉइन कितने मिला के हुए. तो देखते हैं, 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स. तो 100 रुपी नोट्स, तो टोनी के पास कितने थे, टोनी के पास थे 2, 2 थे ना 100 रुपीज़ के. और 10 रुपीज़ का कितना था, 10 रुपीज़ का 1 था. और 1 रुपये का कितने कॉइन्स थे, 5 थे. अभी सोनू का देखते हैं. सोनू का 1 था, 100 रुपीज़ का एक ही था, 3 नोट्स थे उसके 10 रुपीज़ के, तो 3 इधर, 2 कॉइन्स थे उसके, तो 2 कॉइन्स इधर आ गए. अब टोटल कितना होगा, तो देखो कॉइन्स का कॉइन्स में ऐड करेंगे, 10 रुपीज़ का जो था हमने देखा उसका ऐड करेंगे और इसका ऐड करेंगे. तो ऑल टुगेदर 100 रुपी नोट्स कितने आए, 100 रुपीज़ के कितने नोट हो गए, 3 नोट हो गए. 10 रुपीज़ के कितने नोट हो गए, 4 हो गए. और कॉइन्स कितने हो गए मिला के 1 रुपी का, तो 7 हो गया. ऐसे होगा ये आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे देखिए 100 1 है, और यहाँ पे यानी कि जो टेंस हैं वो 2 2 हैं. अब इसमें टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही है, काउंट करके देखो. और यूनिट कितना दिया है, 1, यानी 121, क्योंकि 10 10 तो कितने हो गए, 20 हो गए, 2 टेंस हो गए ना, तो 20 और 1. तो कैसे लिखेंगे, 121. 100 कितना है, 1, और ये दोनों मिला के हो गए 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21. ओके, अब ऐसे ही ये दिए हैं, दूसरा भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो उन दोनों को मिला के क्या करना है, ऐड करना है. देखो ऐड कर दिया, 314 213 213, टोटल इतना हो गया. 100 100 के 300 हो गए, ये 2 1 300, 1 2 3 3 टेंस हो गए, और ये कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 आ गया. नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है और एक टेंस दिया हुआ है, एक 10 और एक 100, और 2 यूनिट दिया गया है. तो 100 1, टेंस भी 1 और ये 2, इधर भी 100 100, तो 100 100 हो गए 200, और ये टेंस का एक ही है तो 1, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5. अब इनको काउंट करना है, 5 2 7 1 1 2 2 1 3. अब ये तो इजी है. अब यहाँ पे
एक ही दिया गया है यहाँ पे, यूनिट टेंस, बट यहाँ पे सिर्फ यूनिट दिया हुआ है, तो क्या ये यूनिट आप यहाँ लिख दोगे? नहीं, क्योंकि ये तो टेंस की प्लेस है, इसे यहाँ लिख के प्लस नहीं कर सकते। यूनिट का यूनिट के नीचे एक ही डिजिट है, यानी यूनिट है, यूनिट इधर है, यूनिट टेंस। तो अगर आप ये यूनिट है टेंस में प्लस करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमेशा यूनिट को यूनिट की प्लेस पे ही रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, यही चीज़ को उसने थोड़ा उल्टा किया। कैसे किया? नीचे 70 रखा, ऊपर 8 रखा, तो 8 को कैसे रखा? यूनिट की ही प्लेस पे अभी भी है वो, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे रख दिया और 8 7 को हम ऐड कर रहे हैं, नहीं, ये 7 तो टेंस की प्लेस पे है बट 0 यूनिट की प्लेस पे है, तो यूनिट यूनिट को करेंगे और टेंस यहाँ ऊपर कोई नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर खाली जगह बच रहा है तो 0 लिख दो, फिर 7 0 7 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आंसर, यहाँ पे भी सारे प्लस किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 403 64, तो क्या किया अभी 400, यहाँ पे 400 का प्लेस है बट यहाँ पे 100 तो है ही नहीं, तो हम 100 की प्लेस को क्या रखेंगे? ब्लैंक। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे 0 रख दो। ओके, तो क्या करेंगे 403 और 64, 6 तो हमारा किसकी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है और ये यूनिट की प्लेस पे है, यहाँ थोड़ी लिखेंगे 64, यहाँ पे 64 लिख के फिर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने ये टेंस था और उसने रख दिया आपने 100 की प्लेस पे, इट विल बी रॉन्ग। ओके, बाकी सब देखो इधर, अब ये थोड़ा सा ये इधर तो बराबर है, सबके पास बराबर बराबर है, यहाँ अलग है, यहाँ पे 142 + 6, अब 6 यूनिट का ही डिजिट है, टेंस का मिसिंग है, 100 का मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पे देखो कुछ नंबर नहीं रखा, यूनिट का यूनिट की प्लेस पे ही रखा। अब इसे आप यहाँ रख दोगे या यहाँ रख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट का प्लेस है, 100 पे नहीं रख सकते, टेंस पे नहीं रख सकते, है ना, इसीलिए यूनिट का यूनिट की जगह पे रखा। कन्फ्यूजन हो रहा है, 0 रख लो इधर, सेम ऐसा इधर भी है और इधर ऐसा, इधर ऐसे के जैसा इधर है, फर्स्ट के जैसा ये है ना, इधर देखिए थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे 20 + 4 = 36 रख दिया। अब आप यहाँ पे ऐसे करोगे क्या कि यहाँ पे 4 रख दोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, यहाँ पे 0, तब तो रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि आपने 200 की प्लेस पे रख दिया, रखना कहाँ था? 2 टेंस की प्लेस पे रखना था, 0 यूनिट की प्लेस पे रखना था ना, फिर उसके बाद 436, 100 आ रहा है, तो 400 यहाँ 100 की प्लेस पे रखोगे, 3 टेंस की प्लेस पे रखोगे, 6 यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ये यहाँ पे सब बराबर है, सबको बराबर बराबर मिला है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे नहीं है 100 की प्लेस, 100 का डिजिट मिसिंग है, ठीक है, लेकिन क्या अभी ये 2 को यहाँ 22 दिया हुआ है, यहाँ 342 दिया गया, आपको अरेंज करना है, तो कैसे रखोगे? ऐसे HTU बनाना है, 2 को 10 की प्लेस पे रखना है, फिर 2 को यूनिट की प्लेस पे रखना है, 100 की प्लेस पे। अब ऐसा रखोगे कि 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे ऐड करना है तो कैसे करोगे? तो देखो, यूनिट को यूनिट से ऐड करोगे, ये यूनिट का प्लेस, ये यूनिट का प्लेस, तो 5 + 3 = 8, फिर अभी टेंस को टेंस से करेंगे, टेंस टेंस, तो 2 1 3, अभी बचा कौन? 100, 100 का प्लेस, 100 का डिजिट ये, 100 का डिजिट ये, 6 + 2 = 8, वैसे ये भी करना है और ऐसे भी आगे का आपको समझना है। अभी 3 डिजिट अगर आपको ऐसे ऐड करना हुआ तो 4 + 3 + 2 कितना होगा? 4 3 7 7 + 2 9, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, मैरी के पास 4 चॉक्स है, सलमा के पास 3 चॉक्स है, सोनू के पास 2 चॉक्स है, तीनों मिला के कितने हो गए? तो उनका टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए 4 3 2 ऐसे मिला के करना है। ओके, इसके पहले के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपका EVS भी अपलोडेड है, EVS 1, और आपका इंग्लिश भी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही देखिए, रहीम ने ख़रीदा एक नोटबुक कितने का? 14 का, और एक 12 का, और एक पेंसिल ख़रीदी 3 का, टोटल कितने रुपीस उसने दिए शॉपकीपर को? तो देखो, 14 उसने ख़रीदा बुक के नोटबुक के लिए, 12 उसने ख़रीदा बुक के लिए, 3 उसने ख़रीदा पेंसिल के लिए,
3 बोला है, तो क्या ये 3 यहाँ रख दोगे? नहीं, 3 तो एक सिंगल डिजिट है, यूनिट की प्लेस पे आएगा। टोटल मिला के 426639 और 112। बाकी का इसी तरीके से गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा 5 + 12 + 372 5 है, तो 5 सिंगल डिजिट यूनिट की प्लेस पे, 12 ये टेंस की जगह पे, यूनिट की जगह पे, तो ये 1 को हमने रखा टेंस की जगह पे और ये 2 रखा यूनिट की जगह पे। 372 ये 100 की प्लेस पे आ रहा है, देख रहे हैं, 3 100 की प्लेस पे, 7 टेंस की प्लस पे, और 2 डिजिट कहाँ पे आ रहा है? यूनिट की प्लेस पे। ऐसे ये भी है, ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, बट आपको समझना है, मैंने समझा दिया अच्छे से। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये भी।